चलिए है, आवाज आ रही सभी को परफेक्ट चलिए चलिए सोगाइस हेलो एवरीवन नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार गुड इवनिंग रात के आठ बज चुके हैं और मैं आपके बीच में आ चुका हूं 2024 के बैंक एग्जाम को हम तैयार कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम हो डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस डेटा इंटरप्रिटेशन को आसान बनाने के लिए ही ये 200 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं टोटल आपको 10 सेट में कराऊंगा फरवरी मंथ के महीने फरवरी महीने में आपको मैं 10 सेट कराऊंगा और ये 10 सेट करने के बाद आपको महसूस होगा कि यार डेटा इंटरप्रिटेशन तो मेरा बहुत अच्छा हो गया और अब मैं किसी भी मॉक में जाऊंगा अगर स्पेशली मैं बैंक की बात करूं इंश्योरेंस के पेपर लगे हुए हैं वहां तकरीबन दस से पंद्रह नंबर आपकी जेब में होंगे तो डीआई शुरू करने का जो मेन उद्देश्य है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर टॉपिक और इसमें ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए कोई अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्री एग्जाम की बात करो कुछ टाइप की डीआई बनती है वो सारा टाइप मैं आपको दे दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेंस में इसको कैसे करना है जब एक बार अगर आप डीआई बनाना सीख गए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा करोगे साथ ही साथ दो के जो एग्जाम हुए हैं बैंक एग्जाम उनको भी मैंने ध्यान में रखा है कि दो में सवाल ऐसे बन सकते हैं तो आज का सेशन बिल्कुल जितने भी लोग यहां पे बिगनर हैं उन सभी के लिए है साथ ही साथ जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी सेशन वरदान साबित होगा और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 200 डेटा इंटरप्रिटेशन एक बार जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए मेरा क्वांट अपडेटर फिर से आपके बीच में चौदह फरवरी बसंत पंचमी वाले दिन से आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा और ये पीडीएफ आपको रेगुलर मिल जाएगा बीच में मेरी टीम से कुछ मेंबर जो मेरे साथ काम करते थे किसी का सिलेक्शन हो गया था फिर वो थोड़ा मोमेंटम नहीं बन पाया तो इस वजह से हम इसको बीच में रुक गए थे नाउ चौदह फरवरी से हम इसे कंटिन्यू करेंगे डन चलो स्टार्ट करते हैं तैयार रहिएगा है। मोटिवेशन एक ही मोटिवेशन है कि जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दो दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है आप अपने घर की परिस्थिति आप अपने मां बाप की मनस्थिति से भली भांति परिचित हैं वो चाहते हैं कि कब उनका बेटा या बेटी अपने पैरों पे खड़े हो जाएं वो मां की आंखें तरस गई हैं देखने के लिए कि कब रिजल्ट में ये पता चलेगा कि हाँ भाई उसके लड़के का भी सिलेक्शन हो गया तो चलिए सिलेक्शन में कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सेशन को डेटा इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा आइए अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं डेटा किसका है बेटा डेटा किसका है बेटा बोला उसका बेटा उसका बेटा किसका बेटा आइए समझते हैं कि डेटा मतलब डेटा मतलब जानकारी हम हर चीज को बोलते हैं भाई डेटा दो भाई डेटा दो भाई डेटा दो लेकिन यह भी तो पूछो डेटा तू किसका है बेटा आइए तो मैंने क्या कहा पहले डेटा को समझते हैं डेटा कुछ लोग डाटा भी बोलते हैं डेटा है ना डेटा बोलो डाटा बोलो समझना चाहिए तो डेटा किसका है बेटा द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे साथ लिखो मत समझना है बस ठीक है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जानकारियों का जो संग्रहालय मिलेगा जानकारियों को जब आप जमा करोगे दैट विल बी अ डेटा तो बोला डेटा तो किसका बेटा बोला मैं हूं बेटा जानकारियों का जितनी भी जानकारियां हैं उन सब को अगर मैं कलेक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा डेटा जो जानकारी आपको मिली आपको गुप्त सूत्रों से पता चला कि इस साल आईबीपीएस क्लर्क में इतने लड़के बैठेंगे इतनी लड़कियां बैठेंगे इतने लड़के पास हुए इतनी लड़कियां पास हुई तो उस डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो डेटा होगा उसको हम रिप्रेजेंट यानी कि दर्शा सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफ कि उस डेटा को हम अलग अलग ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं जो डेटा मुझे मिला उस जानकारी को मैं अलग अलग फॉर्म में दर्शा सकता हूं जैसे मैंने कहा अगर मैं उसको टेबल में दर्शाऊंगा तो नाम हो जाएगा टैबुलर डीआई कि वही डेटा अगर आप एक टेबल बना के कॉलम रॉ डाल दोगे तो क्या बन जाएगा टैबुलर वही डेटा अगर मैं सर्कल की फॉर्म में डाल दूंगा डिग्री या फिर परसेंटेज में तो वो बन जाएगा पाई चार्ट उसी डेटा में बड़े बड़े कॉलम खड़े कर दूंगा तो बन जाएगा बार ग्राफ उसी डेटा को अगर मैं लाइन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कहलाएगा लाइन ग्राफ उसी डेटा को मकड़ी का जाला बना दूंगा तो कहलाएगा रेडार ग्राफ बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं उसी डेटा को अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दूं तो कहलाएगा तो कुल मिला के डेटा तो किसका है बेटा बोला मैं हूं बेटा जानकारियों का बोला कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कि जितनी भी जानकारियां हमारे पास हैं, उन जानकारियों को बताओ कैसे बताओगे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओगे अब क्योंकि जितने भी बैंक की तैयारी करते हो आप कोई भी नौकरी करोगे आज के जमाने में हर चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है दिखाया जाता है लोगों को बताया जाता है जैसे अभी बजट आया तो बजट में सरकार बताती है ना कि देखो हमने बजट में एक सर्कल बना के बताती है ना कि इतना पैसा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया इतना परसा मैंने इसको दिया इसको दिया तो सरकार भी आपको एक डेटा बताती है सारी जानकारियां देती है तो वो ग्राफ के फॉर्म में देती है चाहे वो चार्ट हो चाहे वो टेबल हो तो ये हमें बेसिक समझ में क्या आ गया कि डेटा इंटरप्रिटेशन में ये इसके जो नाम हैं जिनको आप टेबल बार लाइन पाई केसलेट बोलते हो ये कोई अलग नहीं है जानकारियों को दिखाने के क्या है फॉर्म है जैसे कि सर्दी हो रही है कैसे पता चलेगा मैंने जैकेट पहन लिया तो सर्दी हो रही है फील हो रहा है समझ आ रहा है मैंने जैकेट उतार दी मैं ऐसे ही घूम रहा हूं गर्मी आ गई सर यानी कि रिप्रेजेंटेशन से आप चीजों को समझ सकते हो हाँ या ना अगर आप किसी को देखते हो तो रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो मान लीजिए कोई आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है तो आप बोलोगे यार वो आदमी अंधा है कैसे पता चला आपने रिप्रेजेंट उसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको देखा कि यार ये आदमी इस तरीके का बिहेव कर रहा है इस तरीके से खुद को शो कर रहा है यानी ये हो सकता है तो मैंने वही कहा कि जानकारियां इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी तो यानी कि वो डेटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्म है तो अब इतना समझ आ गया मूल चीज जो है वो क्या है कलेक्शन ऑफ जानकारी जानकारियों को समझना है ये तो कटपुतलियां हैं इन्हें कुछ नहीं समझना इसको समझना है यहां तक क्लियर है एक बार मैं कमेंट पढ़ लू सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे सर यहां तक क्लियर है सभी को ठीक है बढ़िया 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 अब मैंने आपसे क्या कहा पेपर क्या करेगा पेपर क्या करेगा पेपर बोलेगा इदरा बालक तुझे मैं एक जानकारी दे रहा हूं तो उस जानकारी को पढ़ और उस पर तुझे मैं पांच सवाल दे रहा हूं अगर तूने वो पांच सवाल निकाल दिए तो तू मेरे साथ काम करने के लायक है और नहीं निकाल सकता तो भैया तेरी हमें नहीं जरूरत ठीक है अब हम क्या करेंगे आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिखाऊंगा कभी टेबल दिखाऊंगा कभी बार दिखाऊंगा कभी लाइन दिखाऊंगा कभी कुछ दिखाऊंगा लेकिन आपको उसे नहीं देखना है इस गेम का यही रूल है जो मैं बोलूं मेरी बातों में मत आना इस गेम का रूल क्या है कि आपको ग्राफ पे जाना ही नहीं है जैसे सुनिए लोग कहते हैं सर मुझे पाई चार्ट नहीं आता मुझे टेबल नहीं आती अरे समझदार व्यक्ति आप जानकारी की तरफ जाओ है ना आप जानकारियों को फॉलो करो ये ग्राफ पर आप तो कटपुत है अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ग्राफ अब मुझे बताइए इसमें क्या जानकारी जी है अभी रुकिए पेन पेपर नीचे रखिए भाई क्या कर रहे हो नीचे रखो नीचे रखो आ जाओ जाओ देखो हमें क्या गीवन है पहले इंफॉर्मेशन देखो सारा गेम इंफॉर्मेशन का है है ना सारा गेम जानकारियों का है भाई नौकरी क्यों कर रहे हैं जानकारी के लिए कौन सी जानकारी आप नौकरी करोगे बैंक में आपके पास एक डेटा आएगा कितने लोगों ने एफडी अकाउंट खोले कितनों ने सेविंग खोले रिप्रेजेंटेशन दीजिए तो ये समझना जरूरी है बोला था गिवन पाई चार्ट, परसेंटेज गीवन है टोटल नंबर ऑफ पेंट सोल्ड इन पांच डिफरेंट शॉप पांच अलग अलग दुकानें हैं उनमें पेंट मिलता है पुताई करने वाला है ना तो नाम क्या है दुकान के गुप्ता पेंट स्टोर कोई है हमारी क्लास में गुप्ता इज दरिंग गुप्ता रेज योर हैंड कोई गुप्ता है क्लास में ठीक है शर्मा हार्डवेयर कोई शर्मा है यस yes. तो ये दुकानों के नाम है गुप्ता पेंट स्टोर शर्मा हार्डवेयर सिंह हार्डवेयर हार्डवेयर तो सिंह हार्ड वेयर कोई है बता सकता है वर्मा पेंट्स यानी इज वर्मा पेंट शर्मा वर्मा दोनों हैं एंड द लास्ट वन इज अग्रवाल पेंट तो आई थिंक मैंने हर तरह के बच्चे ले लिए कोई रह गया हो तो बता देना ठीक है गुप्ता हो गया शर्मा हो गया सिंह हो गया वर्मा हो गया अग्रवाल दुकानों के नाम है और उन दुकानों को हमने एक सर्कल में दर्शा दिया कि जो टोटल पेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ पेंट है चौबीस सौ है टोटल नंबर ऑफ पेंट चौबीस हैं, है जो कितनी दुकानों में बटा हुआ है एक दो तीन चार पांच तो डेटा तो किसका है बेटा बोला मैं तो जानकारी का बेटा बोला का है तेरी जानकारी बोला ये मेरी जानकारी बोला पांच है पेंट उन पेंट के बारे में डेटा गिवन है भैया पांच पेंट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो चौबीस सौ का पच्चीस परसेंट कितना हो जाएगा वन बाई फोर 600 सौ आप डेटा को क्या करो एक्सट्रैक्ट करो बोला चौबीस सौ का बीस परसेंट चौबीस दूनी वाओ आपने कहा पंद्रह चौबीस तीन सौ वेरी गुड आपने कहा 18 और चौबीस अठारह दूनी छत्तीस अठारह चौको बहत्तर चार सौ बत्तीस आप डेटा को फेच करो बस बाईस इंटू चौबीस है नी पांच सो अट्ठाइस एनी कंफ्यूजन प्लीज राइट नाउ जल्दी से बोलिए कमेंट सेक्शन बिना किसी देरी के हमने क्या किया हमने डेटा को फिगर आउट कर लिया तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन आया ही नहीं है अभी आपको जानकारियों को समझना था और जानकारियों को समझ के आपने निकाल दिया कि जो नंबर ऑफ पेंट्स आपने चारों दुकानों में बेचा वो 2400 है तो अगर गुप्ता की बात करूं तो गुप्ता ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका ये रहा बोला शर्मा इसका ट्वेंटी परसेंट बोला सिंह बोला वर्मा बोला अग्रवाल तो सब निकल गए कि किस किस के पास कितने पेंट है इज दियर एनी कोई कंफ्यूजन आस्क मी राइट नाउ भाई साहब कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए शर्माने के पैसे नहीं लगते हैं शर्मा ये मत हाउ इज दैट ठीक है ठीक है ठीक है डन डन बच्चे बड़े कम हैं भाई साहब एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ठीक है क्लियर हो गया सभी को चलिए अब पहले सवाल की तरफ चलता हूं पहला क्वेश्चन देखिए मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं वो 2023 के हिसाब से बनाए हैं पेपर में अब वन लाइनर क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं अब क्वेश्चन थोड़े से लंबे लंबे मिलते हैं कुछ इस तरीके के अब डेटा आपने नोट कर रखा है अब आप एक मिनट का टाइमर लीजिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए सॉल्व करने की नहीं कह रहा हूं केवल पढ़ने की कह रहा हूं बस हो गया एवरी वन हम सब करेंगे सभी लोग चलिए अब मैंने आपको एक मिनट दिया और मैंने आपसे कहा कि आप सवालों को सॉल्व मत करो बस सवालों को पढ़ो आइए अब थोड़ा सवाल को समझते हैं देखिए पहला ही क्वेश्चन था आपने डेटा निकाल के रखा हुआ साइड में कहीं आपने नोट तो किया होगा ना नोट कर लिया था ठीक है अब समझते हैं देखो 90 परसेंट लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं या क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं देखिए आप अभी बिगिनर हो आप हो सकता है कि क्वेश्चन दो मिनट में सॉल्व हुआ हो अभी टाइम पे मत जाइए आपको ना अगर अभी सीखना है तो पहले मैं सवालों की एक्यूरेसी पे काम करना है स्पीड कैसे आएगी जब आप एक सवाल दो सवाल तीन सवाल जब आप 200 क्वेश्चन कर लोगे ना मेरे साथ अभी पहला सवाल है तब आपको महसूस होगा कि स्पीड कैसे लेके आनी है अभी मेरा काम है आप सवालों का केवल जवाब दे पाओ आ जाओ सर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पेंट लोधी हार्डवेयर आपने कहा सर पहले पूरा पढ़ लो क्योंकि आप यही गलती करोगे आधा पढ़ोगे आधा लिखोगे वो समय ज्यादा लेगा जस्ट रीड डाउन द क्वेश्चन केयरफुली बोला लोधी पेंट वाले जो सेवेंटी टू मोर देन है, है अग्रवाल पेंट स्टोर से छोड़ दो अभी नंबर ऑफ पेंट सोल्ड बाय जिंदल एवरेज है किस किस का शर्मा का और सिंह का मैं कैसे पढ़ रहा हूं मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं केवल और केवल जानकारी को पढ़ रहा हूं मैंने दोनों बातें बताई थी लैंग्वेज का खेल नहीं है जानकारी का खेल है जानकारी इन द सेंस क्या क्या चीजें काम की हैं है ना मैं पूरी रायमेंड सुना रहा हूं आपके काम की तीन बातें वो पकड़ो बाकी कानों के लिए बंद कर दो बस ऐसे आपने क्या कहा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो हिंदी में कि लोधी हार्डवेयर ने क्या किया जो अग्रवाल पेंट से बहत्तर अधिक है छोड़ दो जिंदल वाले जो है वो एवरेज है किसका शर्मा का और सिंह का डिफरेंस निकालना है लोधी का और जिंदल का आ जाओ लोधी क्या है बहत्तर ज्यादा है किससे बोला अग्रवाल से अग्रवाल जी का है पांच तुरंत आपने पिक किया अब कैलकुलेशन फाउंडेशन में पढ़ रहे हो 28 में बहत्तर कॉम्प्लीमेंटेस का क्योंकि दोनों का सम सौ हो गया 600 हो गया आगे चलते हैं कौन है भाई जिंदल अब जिंदल जो है वो एवरेज है किस किस का शर्मा और सिंह का शर्मा और सिंह अब देखिए उधर मत जोड़ो इधर देखो आप परसेंटेज में चेक करो शर्मा जी का है शर्मा मतलब ऑरेंज कलर बीस परसेंट और सिंह कहां है ये पंद्रह और बीस पैंतीस बटे दो तो पैंतीस बटे दो परसेंट किसका चौबीस ऐसे करो कि आप वहां भी कर सकते हो दोनों को जोड़ सकते हो यहां भी कर सकते हो कि आपने कहा बीस और पंद्रह पैंतीस हो गया थर्टी फाइव दोनों का कंबाइन है एवरेज बाई टू दो से काटा बारह बारह तीन छत्तीस बारह पंजे साठ चार सौ बीस थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अभी कमजोर होगी वो धीरे धीरे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस तो जो क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूं याद रखना एसबीआई पीओ बी पीओ और आर आर बी पी दो हजार चौबीस यू तो एग्जाम अगस्त में है तो क्या जुलाई से पढ़ना शुरू करोगे नहीं ना अभी से पढ़ना है अब तक तो मैं सर अपने लेवल को अलग लेके दुनिया पे चला जाऊंगा सही है भाई बालों में मेरे फूल गिर रखा है एक्चुअल में सिया ने ना फूल डाल दिए मैं ध्यान नहीं दिया और अभी मैं कमेंट सेक्शन में अपने आपको देख रहा था ना सामने स्क्रीन पे तो मैंने कहा ये मेरे सर में व्हाइट व्हाइट से क्या दिख रहे हैं चलिए डन चलो अगला क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन कि लोधी जो थे वो सेवेंटी टू ज्यादा है अग्रवाल अग्रवाल आपको मिल गया जोड़ दिया जिंदल जो है वो एवरेज है आप ऐसा भी कर सकते हो जिंदल शर्मा और सिंह तो शर्मा कितना है रहा और सिंह कितना है ये रहा इन दोनों का आधा ये देखिए सेम आंसर आएगा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन एक मिनट ट्राई करना एक मिनट में होता है कि नहीं होता है चलो तुम तो देख लो क्लास से पहले मैं अपने आप को देख के नहीं आता हूं पहले अगली बार से देख के आना पड़ेगा स्क्रीन उस पर चेहरे वगैरह है ना तो मैं कह रहा व्हाइट व्हाइट से क्या लग रही है ये मेरे शर्म तो मोए मोए हो गया है तो चौबीस कहां से आया आ नंद, नंदा नंदा बाबू वो चौबीस सौ है ना ऊपर चौबीस सौ उसका पैंतीस बाई दो परसेंट हो गया बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना है देखिए आप जो डेटा निकाल के रखे हो उसको वापस आ जाओ देखिए हम पीछे चलते हैं गया आइए आइए हमें निकालना है कि पेंट सोल्ड और अनसोल्ड शर्मा के आप सुनिए शर्मा के सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो सिंह के भी क्या बोल रहा है वो सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो कितने बिके कितने नहीं बिके रेशियो निकालना है अनसोल्ड शर्मा और सिंह के तो मैंने कहा सर देखिए हो गया शर्मा और ये हो गया सिंह तो शर्मा के सोल्ड और अनसोल्ड का जो रेशियो है वो रेशियो पांच है और सिंह के भी जो सोल्ड हुए और जो अनसोल्ड हुए उसका रेशियो है बेटा फोर रेशियो फाइव जानकारियों पे जाइए जानकारियों को फॉलो कीजिए नौकरी आपके पीछे खुद ब खुद आएगी अब आपने पीछे जो डेटा डिकॉर्ड किया था शर्मा और सिंह के सोल्ड कहां गए कहा गया शर्मा ये रहा सिंह ये रहा तो आपने कहा सर शर्मा के सोल्ड हैं 480 सो और सिंह के सोल्ड हैं 360 सौ साठ हाउस दैट ये मुझे गिवन है कि मुझे ये चीज गिवन है मुझे ये चीज गिवन है समझ आ रहा है बच्चों जो भी बिगनर्स हैं यहां पे ठीक है आपको क्या कहा छ की वैल्यू ये रही तो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स एट जा फोर्टी एट अस्सी और पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी चार सौ एनी कंफ्यूजन नो no. आपने कहा सर फोर की वैल्यू कितनी है थ्री सिक्सटी वन इज इक्वल टू नाइनटी तो बोला फाइव इज इक्वल टू नाइन फाइव गए पूछा क्या गया अनसोल्ड का रेशियो तो अनसोल्ड का रेशियो हो जाएगा 400 रेशियो. चार रेशियो साढ़े चार सौ जीरो से जीरो कटा फाइव एट जा फाइव नाइन जा क्या ऑप्शन में आठ नौ अवेलेबल है देखो जरा Yeah. कितने विद्यार्थी गण ऐसे हैं जिनको समझ में आ रहा है कि ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो बन जाएगा अरे बोलो बन जाएगा जोर से बोलो हम्म ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो बना लोगे एमडब्ल्यू एफ में क्लास चलेगी जितने भी फाउंडेशन वाले हैं मंडे वेडनसडे और फ्राइडे एमडब्ल्यू एफ आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी आपको आठ बजे आना है सेशन लाइव मिलेगा जुड़ जाना है मजा आ गया दो क्वेश्चन अभी आपको शायद हो सकता है कि वक्त लग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है अगले क्वेश्चन में आजमाएंगे अपना हाथ और देखेंगे कि इस बार आप कितना तेजी से बनाते हो पिछले वाले सवाल से ठीक है एक बार इस डेटा को नोट कर लीजिए इस वाले को कि 2400 हमारे पास टोटल है और ये सारी दुकानों में कितने कितने पेंट रखे गए हैं वो इधर आपको लिखा गया है बराबर मेरे साथियों ठीक है तो आइए दूसरे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं आ जाओ डेली हम 20 क्वेश्चंस करेंगे आराम आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है चलो मेरा पूरा फोकस होगा जो मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उन सभी को सिखाने का So आइए देखिए आप थोड़ा सा स्पीड से बनाया होगा पहले पढ़ लो पूरा पहला काम क्या करो ईमानदारी से क्वेश्चन को सही से पढ़ो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेंट सोल्ड इन वर्मा पेंट्स और अग्रवाल पेंट 25% परसेंट और 50% परसेंट जो है वो एशियन पेंट है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एशियन पेंट सोल्ड इन वर्मा अग्रवाल तो हमको करना कुछ नहीं है हमें बस छोटा सा काम करना है हमने कहा सर जो वर्मा शॉप है वर्मा शॉप में कितने पेंट्स हैं? तो आपने कहा सर वर्मा पेंट्स में 432 थे मेरे ख्याल से है ना और उसके बाद अग्रवाल में कितने हैं आपने कहा सर अग्रवाल वाले की जो दुकान है उसमें कितने पेंटे भाई साहब पांच थे है ना अब उसने ये कहा कि यहां पे ना 25% परसेंट और यहां पे 50 परसेंट ये वाले जो पेंट हैं वो एशियन के पेंट हैं तो हमने कहा इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी कि बेटे वन बाई फोर तो वन बाई फोर से डिवाइड करूंगा यानी कि चार कम चार चार अठे बत्तीस इसका फिफ्टी परसेंट करूंगा आधा दो दुनिया चार दो छंग बारह दो चको आठ अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे सिक्सटी फोर और आठ सेवेंटी टू दो और एक तीन तीन सौ बहत्तर क्या ऑप्शन में है बिल्कुल है चलो कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अगर ये 200 क्वेश्चन की सीरीज में पूरी कराऊंगा बने रहिएगा शिद्दत से पूरे 10 के 10 सेशन देखना फिर मुझे बताना सर आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये 200 क्वेश्चन की जो डीआई की सीरीज है सच में बहुत अलग लेवल की सीरीज होने वाली है सभी से मेरा बस इतना सा ये, वो रहेगा अपने फेसबुक पे शेयर करना अपने टेलीग्राम पे शेयर करना अपना स्टेटस लगाना कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते आइए मेरे साथ मैं आपको YouTube पर सिखा रहा हूं जैसे अभी 200 क्वेश्चन की डीआई लेके आया हूं इसके बाद 200 सौ सिंप्लीफिकेशन दो नंबर सीरीज हर चीज में दो दो करके आपको इतनी भर दूंगा आपकी आ, दो हजार एग्जाम के लिए कि आप नौकरी निकालने के लिए सक्षम हो जाओ सही है भाई एक बार जोर से बोलेंगे हाउ तो कमॉन आन, एनर्जी आनी चाहिए यार ठीक है वो कहते ना फर्क नहीं पड़ता सर हमको एग्जाम अगस्त में है एग्जाम सितंबर में है हम वो लोग हैं जो आज से चलना शुरू करेंगे और इस बार निकाल के दिखाएंगे नौकरी लोगों को गलत साबित करेंगे जो ये कहते हैं कि अरबी क्यों पढ़ रहे हो कोई एग्जाम नहीं है एक बात याद रखना सौ में से नब्बे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बातें करते हैं बस दस ही लोग हैं जिन पे आपको कंपटीशन देना है उन्हीं के लिए तैयार करा रहा हूं नब्बे लोग तो बोलते रहेंगे उनका काम ही यही है क्योंकि ना वो कॉम्पिटिशन का हिस्सा है ना थे ना रहेंगे लेकिन आपका कंपटीशन वो दस परसेंट लोगों से जो सीरियस पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं उनसे बीट करना है आपको है ना चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आइए थोड़ा सा वेरिएबल ऐड किया है वेरिएबल क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ एक इस तरीके से नंबर एड कर देना चलिए आप में से कोई है जो मेरे साथ फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे अब देखो फाउंडेशन बैच के से यहां से कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया एक मिनट आप प्लीज क्वेश्चन को पढ़ो बस ठीक है बस एक मिनट से ज्यादा नहीं देखो एक मिनट थोड़ा अभी लगाएंगे धीरे धीरे हम थर्टी सेकेंड्स में भी आ जाएंगे आ जाओ अगर साथियों में ये बोलूं कि नंबर ऑफ पेंट्स जिंदल के अब जिंदल है नहीं यहां पे तो क्या करें पढ़ो पहले पूरा पढ़ो जो जिंदल के पेंट्स है वो ए प्लस तीन सौ है और जो ए है सुनिए ए है वो क्या है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ सोलर कि सबसे बड़ा दो अंकों का नंबर है और सोलह का मल्टीपल है तो दो अंकों का नंबर याद करो मैंने नंबर के बारे में पूरी कहानी नीव टू में सिखाई थी कि सबसे छोटा दो अंकों का नंबर दस सबसे बड़ा दो अंकों का नंबर निन्यानवे क्योंकि सोलह का मल्टीपल है तो सोलह का मल्टीपल निन्यानवे से कम कौन सा होता है नाइनटी सिक्स बताया था कि दो अंकों के नंबर सौ से शुरू होते हैं निन्यानवे तक जाते हैं बोला जो ए है वो ग्रेटेस्ट दो डिजिट का अंक है जो कि सोलह का मल्टीपल है तो बोला सोलह का मल्टीपल सर जी ये हो तो इस लिहाज से मुझे क्या पता चला प्यारे बच्चों ए की वैल्यू बोल रहे कि नंबर ऑफ पेंट सोल्ड इन जिंदल तो जिंदल के कितने पेंट हो गए आपने कहा जिंदल जिंदा हो गया सर देखो 300 प्लस छियानबे तीन सौ छियानबे वाओ क्योंकि मुझे ए मिल गया ये कितना ज्यादा और कम है सिंग हार्डवेयर से तो आपने कहा सर सिंग हार्ड हार्डवेयर तो सिंह रहा पंद्रह इंटू चौबीस पंद्रह इंटू चौबीस तो बताई थी चौबीस का डबल चौबीस का दस गुना फिर आधा छत्तीस तीन सौ सौ साठ अब सवाल ये इससे कितना ज्यादा है थर्टी सिक्स ज्यादा है किससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा इंटू सौ ऑप्शन में है अरे परसेंटेज तो पूछा ही नहीं है वैल्यू में पूछा है तो बोला जिंदल पेंट व्हाट मोर परसेंट परसेंट लिखा हुआ था सॉरी परसेंटेज लिखा हुआ था तो परसेंटेज में आंसर होगा ऑप्शन गलत है परसेंटेज होगा ना क्योंकि परसेंटेज पूछा है ना व्हाट परसेंट सिंह हार्डवेयर पेयर तो दस परसेंट आंसर है एक बार कम कमेंट कर दो सभी लोग ठीक है तो अभी तक के चारों सवाल समझ आए इस डीआई के चलिए जिन जिन लोगों को ये डीआई समझ में आ चुकी है वो प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा दिल बना देंगे हार्ट इमोजी बना देंगे कि सर हमारे दिल तक ये डीआई पहुंच चुकी है अगर आपके दिल तक ये डीआई पहुंच चुकी है तो मुझे आपसे बस कुछ नहीं चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आप आइएगा और इस वीडियो का जवाब कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा जिनको मजा आ रहा है एक बार कमेंट कर दो भाई यस yes. जिनको मजा आ रहा है एक बार कमेंट कर दो ठीक है चलिए आगे चले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है ना इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे डन इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे ठीक है भाई चलो चलो नेक्स्ट अगली डी आई आ जाओ डीआई नंबर टू सेट नंबर वन हमारा कंप्लीट हुआ डी आई नंबर टू आ गया अब इसको भी फिर वही काम है बोला डेटा तू किसका है बेटा बोला मैं हूं बेटा जानकारी का बोला अब जानकारी क्या है आ जाओ देखते हैं अब जानकारी है द गिवन बार ग्राफ शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किसका टोटल नंबर ऑफ विजिटर विजिटर मतलब जो विजिट करने आते हैं जो घूमने आते हैं दौरा करने आते हैं विजिट करने आते हैं वो लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं टू आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली में कुछ कौन आए विजिटर्स आए कब चार दिनों में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे और आल्सो नंबर ऑफ लड़के भाई विजिटर दो तरह के आते हैं यहां पर क्या जीवन है विजिटर आए और लड़के भी आए लड़के जो हैं वो दस इनटू ब्रैकेट अपोस्ट ये मार्क लगा रखा है दस ब्रैक कौन सा मार्क है ये कौन सा मार्क है ये दस एस मतलब दस का गुणा है ये ठीक है टू आईआईटी दिल्ली इन चार डिफरेंट डेज मतलब क्या होता है कि सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पत चार दिनों में कुछ लोग आए आईआईटी दिल्ली में अब जो लोग आए वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं नौ सौ ग्राफ में क्या गिवन है बार ग्राफ में क्या गिवन है परसेंटेज गिवन है उनका जो आईआईटी दिल्ली में आए तो परसेंट इक्कीस परसेंट किसका इस वाले का नौ इकम नौ नौ दुनी अठारह लोग वाओ क्या करोगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल नंबर ऑफ विजिटर टू आईआईटी दिल्ली मतलब जो ब्लू कलर का कॉलम खड़ा है उसके नीचे क्या लिखा गया है कि जितने लोग आए उसमें मंडे को 21% परसेंट लोग आए तो 21% परसेंट इसका निकाल दिया 31% वन परसेंट नाइन वन जर नाइन नौ तिया सत्ताईस सत्ताईस सौ नब्बे लोग आए ठीक है यहां पे देखिए छब्बीस तो नाइन से गुणा कर दो नाइन सिक्स फिफ्टी फोर नौ दुनी अठारह और पांच देखो अब यहां पे देखो नौ दुनिया अठारह अट्ठारह और एक उन्नीस सौ अस्सी कोई कंफ्यूजन पहले स्टेटमेंट में आपने क्या किया कि जो लोग आई दिल्ली आए सोम मंगल बुद्ध बृहस्पत उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था टोटल गिवन था वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यूज ठीक है अच्छा अब जो ऑरेंज कलर का उसके नीचे लिखा गया है नंबर इधर परसेंटेज था इधर नंबर है मेल और वो वहां तो टेंथ थर्टी लिखा हुआ है एक मिनट रुकना ये कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे नो हजार एक बार क्रॉस चेक कर लो एक मिनट दे रखा है, थर्टी दे रखा है मिनट जाओ, जो मैंने बनाया था वो थर्टी है, वो 30 मतलब कि 30 का मल्टीपल है तो तीस का मल्टीपल दैट विल बी तीस गुना कितना हो जाएगा नौ सो चेंज कर लो है ना? तीस नौ सो समझ में आ रहा है बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं टाइम लेके ये वाला नंबर भी तीस का मल्टीपल है तो पैंतालीस दिया थर्टीन फिफ्टी ठीक है बयालीस का तीस गुना तीन दुनी छ तीन चको ये भी तीस का मल्टीपल है अट्ठाईस दिया चौरासी तो कुल मिला के हमने डीआई को डिकोड कर लिया है टोटल विजिटर लड़कों के बारे में माइनस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लड़कियां भी आ जाएंगी इसमें कोई कंफ्यूजन है प्लीज अभी मुझे आज पूछ सकते हो कि ये कैसे आया ये कैसे आया मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था जो आईआईटी दिल्ली में विजिट करते हैं और आईआईटी दिल्ली में जो विजिट करते हैं चारों दिनों में नौ हजार तो नाइन हजार का ट्वेंटी वन परसेंट नाइन हजार का थर्टी वन नाइन थाउजेंड का ट्वेंटी सिक्स नाइन थाउजेंड का ट्वेंटी टू यह क्या गिवन है नंबर ऑफ मेल विजिटर थर्टीज में गिवन है थर्टीज समझते हो ना थर्टी का मल्टीपल तो थर्टी थर्टी नाइन हंड्रेड थर्टी का फोर्टी फाइव से थर्टी का फोर्टी टू से थर्टी का इससे एक बार कमेंट सेक्शन पे बताओ क्लियर है अब इससे मुझे क्या पता चला सर इससे मुझे ये पता चला कि डी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनसडे थर्सडे हम इस पूरी डी को डिकोड कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ठीक है तो इधर लिख लो टोटल इधर लिखो बॉयज इधर लिखो गर्ल्स तो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं पूरी डी को एक साथ डिकोड करके पेन पेपर पे लिख लूंगा जिससे मुझे एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए डेटा बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े और मैं उस कंफ्यूजन से बच जाऊं जो बार बार आएगा तो बार बार जो आएगा उससे दूर करने के लिए मैंने क्या किया बॉयज तो बॉयज हमारे कितने हैं नौ ये देखो 1350 जो डेटा मुझे गिवन है उसको टेबल बना दिया 1260 और 840 अब टोटल भी हमें गिवन है 1890 2790 2340 एंड द लास्ट वन 1900 बस करना क्या है कि बॉयज निकल गए टोटल आ गया तो क्या वी कैन फाइंड आउट द गर्ल्स अब एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत निकालिए और फिर क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपने सही निकाला कि गलत निकाला जो मानते हैं कि हाँ उनको थोड़ा बहुत गणित आता है वीडियो को पॉज करो इसमें से इसे घटाओ लड़कियां निकालो चलो चलो फटाफट पड़ से निकालेंगे सब लोग आ जाओ बाकी लोग मेरे साथ करेंगे अब देखो नब्बे में से जीरो गया नब्बे अठारह में से नौ गया नौ सौ नब्बे नब्बे में से पचास गया चालीस सात में से तीन गया चार चौदह सौ चालीस चालीस में से साठ नहीं जाएगा तो चालीस यानी एक सौ चालीस में से साठ गया अस्सी ये हो जाएगा बाईस में से बारह गया ऐसे 60. आपने कहा अस्सी में से चालीस गया चालीस उन्नीस में से आठ गया तो कितना हो जाएगा ग्यारह चालीस थोड़ी कैलकुलेशन पे भी काम करना है सर है ना एक बार जरा कमेंट कर दो एक बार क्रॉस चेक कर लो सर सभी लोग हाँ जी एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लो हां सर सही बना है सभी का सेम बना था ठीक है अब जैसे आपने ये बनाया तो इसका एक फोटो खींच लो वाई फोटो है ना वो एक गाना सुनाए, कौन सा वाला मेरी फोटो को है ना आ जाओ अब जैसे आपको एग्जाम में भी यही काम करना है कि कोई डीआई अगर इस तरीके की बनती है आप उसको एग्जाम में क्या करें पहले डिकोड कर लें ज्यादा ज्यादा एक से दो मिनट लगेगा इससे ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लगेगा और कम ही लगेगा अभी तो मैं सिखा रहा हूं तो बहुत आराम आराम से बोल रहा हूं बहुत प्यार से समझा रहा हूं बट अ डे विल कम जब आप चुटकियों में निकाल रहे होंगे इतना परसेंट इतना परसेंट इतना याद रखना जिंदगी में कोई भी चीज ना रटी नहीं जाती बेटा उस पर इतना अभ्यास किया जाता है इतना अभ्यास किया जाता है कि एक समय बाद हमारे दिमाग में छप जाती है जैसे दो का पहाड़ा छोटे बच्चे को बोलोगे उसको नहीं आएगा लेकिन आपको याद हो गया कैसे कैसे याद हुआ आपने इतनी बार दो का पहाड़ा अपनी जिंदगी में पढ़ चुके हो इतनी बार पढ़ चुके हो इतनी बार पढ़ चुके हो कि वो रट गया कोई सपने में बोलेगा ना आंख बंद करके भी दो का पहाड़ा सुनाओ आप सुनाते हो तो सारा गेम अभ्यास का है वो तो कालिदास वाली कहानी सुनी है ना कि कालिदास बैठे थे कुएं के पास देखा औरतें आ रही हैं पानी निकाल के जा रही हैं कालिदास ने देखा कि वो जो औरतें कुएं से पानी निकाल रही हैं तो एक जो रस्सी होती है जिससे पानी निकालते हैं तो बार बार पानी निकालने की वजह से बार बार जो रस्सी थी वो पत्थर पे घिस रही थी पत्थर होता है ना पत्थर कुएं का ऐसे पानी निकाल रहे तो रस्सी घिस रही थी जिसकी वजह से पत्थर पर निशान पड़ गए तो कालिदास तभी से उनको ये बात समझ आई कि इंसान को कुछ नहीं आता वो पत्थर दिल का है पत्थर दिमाग का भी है लेकिन अभ्यास करेगा तो रस्सी भी रस्सी भी उसको क्या कर सकती है अपनी छाप छोड़ सकती है आपको भी मैं यही बोलता हूं आपको कुछ नहीं आता आप जीरो इतना अभ्यास कर लो इतना प्रैक्टिस कर लो सिलेक्शन हो जाएगा नोट कर लिया सभी ने चलिए इसको नोट कर लिया है। अब इस पर पांच सवाल करेंगे खूबसूरती से मजा आने वाला है ठीक है चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आइए एक मिनट का वक्त लीजिए और जो टेबल आपने बनाई उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए चलो चलिए आई थिंक एक मिनट हो गया होगा कुछ लोग आंसर आ चुके हैं ठीक है अब क्वेश्चन ने क्या कहा क्वेश्चन ने ये कहा कि number of boys, पहले पढ़ लो पूरा। आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैंने आपको बोला आप हिंदी के साथ जाइए कि नंबर ऑफ बॉयज विजिटर टू आईआईटी दिल्ली फ्राइडे पांच बाई छ लड़के जो विजिट कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली ट्यूसडे को नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटर आईआईटी दिल्ली फ्राइडे को 1230 गिवन है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर टू आईआईटी दिल्ली ऑन फ्राइडे तो मेरे को निकालना है फ्राइडे तो फ्राइडे में जो बॉयज हैं वो बेसिकली क्या है पांच बटे छे हैं किसका वो लड़के जो मंगलवार को गए मंगलवार को लड़के तेरह सो पचास है हाउस दैट है ना और लड़कियां जो हैं वो मुझे गिवन है 1230 तो कुल मिला के कैलकुलेशन कहाँ होने वाली है यहां होने वाली है तो आइए कैलकुलेशन की थोड़ी सी कोशिश करते हैं करने की मैंने कहा तीन से काटा तीन चको बारह तीन पंजे पंद्रह और तीन दुनी छ दो से मैंने इसे कैंसिल आउट किया 225 का पांच गुना तो पांच दुनी हजार पच्चीस पंजे दो सो पच्चीस बारह सो ट्वेंटी फाइव इसमें इसको जोड़ देंगे बारह और बारह चौबीस पच्चीस और तीस पचपन तो आंसर हो गया चौबीस सौ था एक मिनट पच्चीस तो पंच एक सौ पच्चीस सॉरी ग्यारह सौ माफ कीजिएगा ये ग्यारह सौ पच्चीस है सो तेईस पचपन ये ग्यारह सौ पचपन है ना क्योंकि 25 पंजे 125 और 25 दोनी एक है तो 1125 और 1230 सो तेईस पचपन तो क्या ये सवाल आपको टफ लग रहे हैं मुझे एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मुझे तो टफ लग रहे हैं मतलब डीआई ईमानदारी से बोलना कैसी लग रही है ईमानदारी से है ना सभी को मजा आ रहा है चलिए एक और सवाल सेम क्वेश्चन है चलो <laughs> बनाओ बनाओ नंबर ऑफ विजिटर टू आईआईटी दिल्ली ऑन ट्यूसडे फोर्टी परसेंट ऑफ देम आर स्कूल स्टूडेंट जो थर्सडे को जाते हैं उसमें चालीस परसेंट स्कूल है और टोटल नंबर ऑफ विजिटर मंगलवार को साठ परसेंट ऑफ आर स्कूल स्टूडेंट तो लड़कियां स्कूल स्टूडेंट की कितनी है वाओ wow. इंटरेस्टिंग <laughs> एक मिनट से ऊपर वक्त नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से एक मिनट बत्तीस सेकेंड ले लिया लोगों ने क्यों ले लिया उसका दो रीजन है प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाना कि जितने लोग आईआईटी दिल्ली विजिट करते हैं मंगलवार को उसमें चालीस परसेंट स्कूल के हैं तो मैंने कहा आईआईटी मंगलवार को कितने लोग विजिट करते हैं तो आपने कहा था मंगलवार को विजिट करने वाले जो लोग थे वो थे सत्ताईस सौ नब्बे आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैसे पता चला ये देखो सत्ताईस और इसमें जो है फोर्टी परसेंट स्कूल के लोग हैं तो फोर्टी परसेंट सीधा हो जाएगा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स चार से गुना जीरो जीरो फोर सेवन जा ट्वेंटी एट और तीन इकतीस चार दुनिया आठ और तीन ग्यारह इतने बच्चे वो हैं जो स्कूल के बच्चे आते हैं अब स्कूल के बच्चे फिर वही बातें लड़का भी हो सकता है और लड़कियां भी हो सकती हैं आगे बोल रहा है कि जो लड़के विजिट करते हैं आईआईटी दिल्ली मंगलवार को 60 परसेंट उसमें से स्कूल के बच्चे हैं तो इसका मतलब जो बॉयज हैं, वो कितने हैं जो आईआईटी दिल्ली में आते हैं तो आपने टेबल में फिर से देखा मंगलवार में इतने बॉयज हैं 1350, 1350 का 60 परसेंट ऐसे ही तो लिखेंगे एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो अब आपको गुना करनी है तो 135 का डबल कर 270 और तीन गुना 810 810 ऐसे हैं जो स्कूल वाले हैं और टोटल स्कूल वाले कितने हैं ग्यारह सो सोलह तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लड़कियां जो विजिट करती हैं और क्या है स्कूल की लड़कियां हैं तो मैं क्या करूंगा ग्यारह सोलह में से आठ सो दस घटा दूंगा कि ग्यारह सोलह तो टोटल तो स्कूल के बच्चे आए लड़के जो स्कूल के आए वो आठ सौ दस आए तो सोलह में से दस गया ये हो गया 6 ग्यारह में से आठ गया तीन सौ छ क्या ऑप्शन में है तीन सौ बिल्कुल कितने लोग है जिनको मजा आ रहा है कि यार ये चीज सर आप सही सिखा रहे हो मैं कह रहा हूं ना दो सौ सीरीज का डीआई का दो सौ सीरीज का क्वेश्चन होगा आप पढ़िएगा समझिएगा और आप देखिएगा अपने अंदर इंप्रूवमेंट चेक कीजिएगा जब आप ये पूरी 200 सीरीज कर लोगे फिर मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वान्टेटर दूंगा मेरा कहना है कि एक समय पे एक टॉपिक उठाओ उसे खत्म करो फिर आगे बढ़ो 2024 में जितने लोग हैं आप तैयारी करना चाहते हो सीरियसली फॉलो कीजिए मुझे ब्लाइंडली मैं आपको देखिए आपके मार्क्स तीन महीने में अगर ना बढ़ते हुए दिखे तो मुझसे कहना लेकिन एक वादा है बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा जो लोग नहीं होते हैं ऑनेस्टली बेटा देखो ये लाइव सेशन है वर्चुअल दुनिया है हुँ? मैं आपके घर में आके नहीं देख रहा हूं कि आप लेटे हो खड़े हो कैसे पढ़ रहे हो नहीं पता लेकिन यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि सर जो आप पढ़ा रहे हो मैं सीरियसली लिख रहा हूं जो आप बता रहे हो समझ रहा हूं और तीन महीने आपको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा और फिर अपने आप को चेक करूंगा कि आपको फॉलो करके मैं कहां तक पहुंच गया अब तीन महीने मुझे दो तो सही अब विश्वास तो करो मुझ पर तीन महीने मुझे दो एक बार और फिर आप अपने आप को चेक करना कि यार डीआई का स्तर ना मेरा अच्छा हो गया है डी के बाद जो मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा सिंप्लीफिकेशन दो सो सवाल सिंप्लीफिकेशन के सिखाऊंगा उसमें आपको ऊपर लेके आऊंगा दो सो नंबर सीरीज दो सो क्वॉडरेटिक दो सो रॉन्ग सीरीज फिर किसी दिन कोई टॉपिक पकड़ेंगे ऐसे करके हम चलेंगे अपना अगस्त तक पेपर है हमारा काफी कुछ कवर करेंगे यूट्यूब पर भी डन चलिए ऑनेस्ट रहना लेकिन कोई जो भी बच्चा है कंसिस्टेंट रहिए आठ बजे कभी हो सकता है कि मेरी तबियत खराब है मैं ना पाऊं लेकिन ना आप आइए आप आइएगा जरूर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास आपकी रेगुलर हो बस एक शर्त रहेगी मेरी मानोगे इसको शेयर कर देना और जाते जाते लास्ट में कमेंट छोड़ जाना इसके नीचे सर मजा आ गया ठीक है चलिए

हो गया भाई साहब इतना टाइम आइए ध्यान दें कि जिस रफ्तार से आप चल रहे हो इस रफ्तार से आपकी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच तो जाएगी लेकिन आप बहुत विलंब हो जाओगे भाई साहब एक बात देखिए सवालों को थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ एक हैबिट डेवलप कीजिए अपने अंदर की मैं केवल इंफॉर्मेशन को ही पढूं बजायालतू फालतू नहीं बोला कि नंबर ऑफ विजिटर आईआईटी दिल्ली ऑन शनिवार और, और संडे किसके बराबर है वो लोग जो वेडनेसडे और थर्सडे जाते हैं अब वेडनेसडे और थर्सडे कहां मिलेगा श्रीमान ये रहा बोला वेडनेसडे और थर्सडे यही तो पूछा गया बोला 08412 नौ तीन बारह तेरह तीन और एक चार तो इसका मतलब फोर थ्री टू जीरो तो आपने कहा सर सैटरडे और संडे ये चीज हो गई सर जी फोर थ्री टू जीरो अब इसमें जो बॉयज हैं भाई साहब वो कितने हैं वीकेंड में पच्चीस सौ बीस वीकेंड का मतलब ही सैटरडे संडे होता है ना तो बोला गर्ल्स कितनी हो जाएंगी अरे सिंपल सी बात है घटा दो बोला जीरो जीरो तेरह में से पांच गया देखने में लग रहा है कि यार ये बड़ा अजीब सा परीक्षाएं लिखेंगे ना आपको याद आएगी बंदा फरवरी के महीने से डी पढ़ाना शुरू कर दिया था अगर हम सीरियसली पढ़ते तो आज अच्छा करते अगस्त में पेपर होगा मैं तो मैं फरवरी से शुरू कर रहा हूं क्योंकि हम देख पा रहे अगस्त तक तो यार सर उड़ा देंगे पेपर को है ना ठीक है भाई चलिए सवाल नंबर दसवा फिर से एक एक सवाल होमवर्क एक दसवे का आंसर मार्क करना है और एक पांचवे का अगर ये आंसर नहीं आए ना कमेंट में तो मैं घर में आके कुटाई करूंगा तुम्हारी अब मैं कैसे आऊंगा वो तुम्हें बताइए ठीक है आंसर कर देना चलिए डीआई नंबर तीसरी तीसरी से पहले चौथी पे चलते आइए फिर तीसरी पे आएंगे देखो डिफरेंस और सम वाली डीआई, डिफरेंस और एवरेज वाली डीआई बड़ी पॉपुलर है अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस गिवन है तो आप कह सकते हो कुछ नहीं डिफरेंस का मतलब होता है कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस में कभी यह नहीं पता चलता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है जैसे मैंने कहा हमारी और तुम्हारी एज का डिफरेंस दस साल है तो कैसे पता कि मैं ही बड़ा हूं हो सकता है कि जो मेरे साथ क्लास कर रहे हो वह एक सर्विसमैन हो उनकी उम्र थर्टी नाइन में ट्वेंटी नाइन समझ रहे हो ना तो हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस की जब बात हो रही है तो डिफरेंस में कौन बड़ा कौन छोटा हम इसको इस तरीके से बोलते हैं और मैंने कहा अगर मुझे एवरेज जीवने तो एवरेज का मतलब होता है औसत यानी ए प्लस बी बाई तो मैं कह रहा हूं कि सर जी ए बड़ा है बी से तो बताइए ए बी कैसे निकले अब सुनो इधर आओ अगर मुझे डिफरेंस गिवन है और मुझे एवरेज गिवन है तो मैं क्या करूंगा डिफरेंस को टू से भाग कर दूंगा मैं डिफरेंस को टू से भाग कर दूंगा सो दिस बिकम छ अगर मुझे ए निकालना है इसकी वैल्यू मान लो गिवन है आपको चौबीस ठीक है आपको एवरेज गिवन है चौबीस डिफरेंस गिवन है बारह एवरेज चौबीस है डिफरेंस बारह है तो डिफरेंस को दो से भाग कर दो डिफरेंस को दो से भाग कर दो ये डिफरेंस का आधा है ये सम का आधा है तो ए बढ़ाए बी से तो ए क्या हो जाएगा चौबीस और छे तीस बी कितना हो जाएगा चौबीस में से छह गया कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने का डिफरेंस का मतलब हुआ ये इसको भाग कर रहे हैं ये देखो इधर भी कर देंगे एवरेज का मतलब होता ही है ये चीज चौबीस अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी और बी कट जाएगा ए बाई टू ए बाई टू विल गिव यू ए चौबीस और 6, 30. तो यह चीज बेसिकली लोग ट्रिक ट्रिक बोलते रहते हैं मैं बोलता हूं ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती एक चीज होती है वो है कॉन्सेप्ट एक चीज होती है वो है अप्रोच बोला मेरी अप्रोच तुमसे अच्छी है अरे बस ट्रिक है सारी लड़ाई ना अप्रोच की है पहले के जमाने में भी जो जंग लड़ी जाती थी वो केवल अप्रोच से लड़ी जाती थी आज के जमाने में हर एक काम एक सही अप्रोच के साथ किया जाएगा तो सफल होता है अगर आपकी अप्रोच खराब है तो काम के सफल होने की संभावना कम होती है दिमाग सबके पास है पता मजे की बात क्या है भगवान ने सबको दो हाथ दिए दो पैर दिए दो आंख दी दो कान दिए बोला पार्शलिटी नहीं करी किसी के साथ लेकिन हर किसी का ना जो सोचने का तरीका है वो अलग है भगवान ने सबको बोला कि भाई सबके तरीके अलग अलग होंगे और अब तुम्हारे पास एक छोटा सा दिमाग है इसका करो इस्तेमाल और देखो तुम कहां से कहां जा सकते हो तुम रंक से राजा भी बन सकते हो और अगर दिमाग नहीं है तो राजा से रंक भी बन सकते हो दिमाग है तो पैसा चल के तुम्हारे पास आएगा दिमाग नहीं है तो जो पैसा होगा वो भी घर से चला जाएगा अप्रोच की बात सोच की बात है वही चीज बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं सर ये शॉर्ट ट्रिक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं और सम को एवरेज बोला हमने ये एवरेज है होता है जोड़ दिया ये आ गया बी निकालना है चौबीस में से छह गया अब इस्तेमाल कहां होगा डीआई में इस्तेमाल होगा ध्यान से पढ़िएगा तुम्हें कसम है किसकी तुम बहुत बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत करते हो आ जाओ वो तुम्हारे माम बाप भी हो सकते हैं दे आर टू एग्जाम सब्सक्रिप्शन दो एग्जाम के सब्सक्रिप्शन है बोला ए एल पी और एनटीपीसी अभी हाल ही में रेलवे की वैकेंसी आई है फॉर्म भरा भर दीजिएगा क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं वहां भी मददगार साबित होगा रेलवे वाले बच्चों को बोल देना कि अगर डीआई सीखनी है तो एक बार अरुण सर की 200 डीआई कर लो तुम्हारी ट्रेन तुम्हें मिल जाएगी ठीक है दो तरह के एग्जाम सब्सक्रिप्शन है एएलपी का और एनटीपीसी का सोल्ड चैनल पी क्यू आर एस टी वेकेंसी आती है तो लोग अपने अपने कोर्स लाते उनको हैं उनको बेचते हैं वही डी आई है कि ये बेसिकली कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने ए एल पी और एन का सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू किया द ग्राफ बार ग्राफ है कॉलम खड़े दिख रहे हैं आपको एवरेज नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ए और एन एवरेज का मतलब क्या होता है ये देखो ठीक है और डिफरेंस बिटवीन ए एल पी माइनस उसने लिख भी दिया डिफरेंस गिवन है एल पी माइनस एन टीपीसी बड़ा है तो हमारे पास डेटा गिवन है अब सबसे पहला काम है कि डेटा को डेटा को सही फॉर्मेट में लिखो डेटा को सही फॉर्मेट में लिखो ये डिफरेंस गिवन है देखो जीरो दो चार छ आठ दस बारह चौथाई एक मिनट ये बीस है तो एक दो तीन चार पांच यहां से यहां तक पांच लाइने और डिफरेंस है बीस का तो एक लाइन चार को रिप्रेजेंट कर रही है तो जीरो चार आठ सोलह बीस चौबीस और अट्ठाईस ठीक है ठीक है अट्ठाईस हो गया ये बीस हो गया ये अट्ठाईस बत्तीस और ये छत्तीस हो गया और सॉरी चालीस हो गया अट्ठाईस बत्तीस और एक मिनट ये बीस हुआ चौबीस अट्ठाईस एक मिनट हो रहा है जीरो एक दो तीन चार चार बराबर बीस है ना तो एक बराबर पांच में वही कह रहा हूं एक बराबर ध्यान से देखो पांच है है ना तो आपने कहा एक दो तीन चार तो या तो बीस है पांच छह ये तीस हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ चालीस हो जाएगा एक दो तीन चार बीस हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ चालीस हो जाएगा डन इस तरीके से आपने ऑरेंज कलर तो सारा लिखे या ब्लू कलर भी लिखो एक सौ बीस एक सौ पच्चीस एक सौ तीस हो जाएगा ये पूरा सौ गिवन है ये एक सौ बीस पच्चीस एक सौ तीस हो जाएगा एक है और ये 120 है नाउ नोट डाउन कीजिए पहला काम आपने डेटा को उठाया यहां से ठीक है हाउस दैट पहला काम आपने क्या किया डेटा को फेच किया कोई दिक्कत डन 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 ठीक है अब मुझे करना क्या है एक डेटा बनाना है कि मैंने क्या कहा एक चैनल से हमारे पी क्यू आर एस तो वो जो चैनल से हमारे वो ए एल पी का सब्सक्रिप्शन कितने लोगों को बेचा और एन टीपीसी का सब्सक्रिप्शन कितने लोगों को उन्होंने बेचा तो बस मुझे इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है हाँ या ना बोलो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है बात खत्म इतनी बात हमारी होती है पी क्यू आर एस एल पी कितना है एन टी बी सी कितना है मैं क्या करने वाला हूं जो डिफरेंस था उसको डिवाइड बाई टू करने वाला हूं डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई, बाई, बाई ठीक है तो मैंने कहा सर ये हो जाएगा अब कहां से चलते हैं पी से ये हो गया पंद्रह और ये हो गया 125. तो इनमें बड़ा कौन सा है ए एल पी तो ए एल पी एक सौ पच्चीस और पंद्रह सिंपल अभी तो बताया था ना कि अगर मुझे एवरेज गिवन है तो मैं डिफरेंस को भी दो से भाग कर दूं. डिफरेंस को दो से भाग करने पे पंद्रह आ गया ये आपको एवरेज गिवन है दोनों का सम बड़ा नंबर इसमें से इसे घटाएंगे एक सौ दैट फिर आपने क्या कहा इसका आधा हो गया जी दस ये कितना है एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस और दस एक सौ पैंतालीस एक सौ पैंतीस में से दस गया अंगूठा लगा दो एक बार कमेंट सेक्शन में जोर से यार हम सब करो तीसरा वाला देखेंगे ये सौ है इसका आधा करोगे बीस सौ एक सौ बीस सौ में से बीस गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट 130 अच्छा अभी तो दो, दो भी है ये हो जाएगा 10, 130 और 10, 140, सौ और एक और भी है टी टी और भी था ठीक है टी भी था अब देखो टी बोला 120 इसका आधा हो गया 20 तो 120 और 20 100 40 चालीस क्रॉस चेक कर लो एक बार एक बार क्रॉस चेक कर लो सारे के सारे बच्चे अब सवाल थोड़े से धांसू होने वाले थोड़े से बढ़िया सवाल होने वाले क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि पेपर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा आपको मजेदार देखने को मिलेगा नोट कर लिया सभी ने इसका फोटो खींच लो कहीं पर भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कहीं पर भी एवरेज गिवन है समथिंग एम तो डिफरेंस को क्या करो डिवाइड बाई टू कर दो दैट विल गिव यू एन तो जो बड़ा नंबर होगा बिगर दैट विल बी एम प्लस एन और जो स्मॉलर नंबर होगा छोटी संख्या निकालनी हो अगर तो दैट विल बी ठीक है चाहो तो नोट कर लो ठीक है पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं ध्यान से पढ़ेंगे पहले आप एक मिनट लेंगे इसको समझने में ठीक है जल्दबाजी नहीं करनी पहले एक मिनट लेके इसको समझो एल पी एग्जाम सब्सक्रिप्शन चैनल क्यू का ठीक है ऑफ मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग और जीएस, इस अनुपात में बेचे तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैथ सब्सक्रिप्शन और जीएसक्रिप्शन एल पी सोल्ड एट चैनल क्यू इफ ओनली मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस सोल्ड एट चैनल क्यू दीपक को ब्लॉक करो भाई जरा एक बार मैं बोलता हूँ अपनी टीम को हो गया चलो देखिए अगर क्वेश्चन पे जाएं तो आपने कहा सर क्यू ए एल पी तो क्यू ए एल पी आपने जस्ट पीछे निकाला या। तो आपने कहा क्यू ए एल पी ने 145 लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन बेचा और सब्सक्रिप्शन जो इन्होंने बेचा वो चार सब्जेक्ट का था मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीएस किस अनुपात में चार तीन एक और दो अब सुनिए तो मैंने कहा यार केवल यही विषय है तो चार और तीन सात और एक आठ और दो दस ठीक है तो श्रीमान दस की वैल्यू कितनी है चार तीन सात एक मिनट रुकना ए एल पी सब्सक्रिप्शन चैनल क्यू तो एल पी क्यू में कितना है एक सौ पैंतालीस है तो डिवाइड नहीं हो रहा डेसिमल में आ रहा शायद एक बार चेक करना कोई नहीं चलो देखते हैं आ जाओ थोड़ा सा डेसिमल मारा वैसे होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी आंसर चेक करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैथ सब्सक्रिप्शन और जीएस सब्सक्रिप्शन तो मैथ और जीएस का डिफरेंस कितना है दो दो बटे दस गुणा एक सौ पैंतालीस फिर से देखो चार तीन एक दो इसको चार मिले इसको तीन मिले इसको एक मिले इसको दो तो मैथ्स और जीएस का अंतर दो का है पूरे नंबर्स दस पे तो दो से काटा मैंने पांच आंसर हो जाएगा 29 तो आप देख सकते हो कि यार क्वेश्चन देखने में इतना भयानक लग रहा था लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो चुटकीों का खेल लग रहा है तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं सारे के सारे बच्चे जो भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं 2024 के लग जाइए डीआई को पहले खत्म करेंगे क्योंकि वेटेज ज्यादा है उसके बाद फिर अपने बाकी चैप्टर्स पर भी आएंगे तो 8 बजे मन बना लो पढ़ने का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वैसे बीच में जब मेंस खत्म हो जाएगा तो मैं क्लास रेगुलर कर दूंगा वो परेशान नहीं होना है तीन दिन आपको आना है जी जान लगा देना है मेरे साथ ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रहवा ध्यान से पढ़ना है डेटा आपने नोट कर रखा है सभी ने चलिए अच्छा। जो लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर देना कि नंबर ऑफ ए एल पी एग्जाम सोल्ड अनदर चैनल यू बीस परसेंट ज्यादा है ए एल पी टी के तो टी से बीस परसेंट ज्यादा है तीन सौ सब्सक्रिप्शन यू ने बेचे तो बताइए एनटीपीसी कितना बेचा उसने आ जाओ वेरी गुड देखिए अगर बच्चों में बात करूं तो क्वेश्चन की तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो ए एग्जाम किसी दूसरे चैनल ने बेचा जिसका नाम यू है वो ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है किससे टी से अब टी ने कितने बेचे ए आपने पीछे निकाला था ये देखो टी ने एल 140 वन तो हमने कहा कि वन से 20 परसेंट ज्यादा है तो इसका 20 परसेंट अट्ठाईस तो 28 ज्यादा है है ना तो यानी कि वन सिक्सटी एट टोटल नंबर ऑफ तीन सौ सब्सक्रिप्शन यू ने यू ने जो बेचा वो तीन सौ बेचा उसमें से उसके जो ए एल पी है वो ये रहे तो एन टी पी सी कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे सर तीन सौ में से वन सिक्सटी एट को घटा दोगे इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो उड़ा दोगे ना भाई लोगों उड़ा दोगे सारा गेम है डीआई को समझने का और क्वेश्चन को बनाने का मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज तो मैंने पहली क्लास करी और लग रहा कि यार ये चीज हो सकती है ये संभव है बस निरंतर प्रयास चाहिए एक कंसिस्टेंसी बनाइए शेड्यूल बनाइए रोज आठ से नौ निकालिए वक्त बैठिए टेबल पे चेयर पे अपने पेन पेपर नोटबुक निकाल के बनाइए मेरे साथ नोट्स और तीन महीने बाद आप रिजल्ट देखिएगा आइए चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट से आएंगे थोड़ा तेजी दिखाएंगे चलो शाबाश मैं आज मेरे चेस्ट में पेन भी हो रहा है। आओ कँ? सवाल ने बोला कि ए एल पी और एस। तो आर प्लस एस का आपको है, और पी प्लस टी का आपको निकालना है एन टीपीसी अब कुछ नहीं करना है जो डीआई आपने रिकॉर्ड कर रखी ना वापस चलो बोला आर और एस का ए एल पी देखते ही आंसर आ जाएगा वन सिक्सटी टू सिक्सटी आपने कहा एन टीपीसी पी और T का. एक और एक दो सौ दस इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है देखते ही बन जाएंगे तो अगर आपने टेबल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है टेबल अगर आप सही से बना लोगे तो आई थिंक क्वेश्चन भी है ना मेन गेम क्या है इसको डिकोड करना है जल्दी जितना जल्दी हो सके चलिए एक और क्वेश्चन है आइए इसको ट्राई करेंगे इस वाले को लाल दे रहा हूं चलो इसको ट्राई करो हो गया आइए आपने क्या कहा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर ए एल पी एग्जाम पी और आर टूगेदर देखो ए एल पी एग्जाम एल पी एग्जाम पी प्लस आर वापस चलिए टेबल पे चलिए ए एल पी पी और आर यानी अगेन टू सिक्सटी बोल रहा कि एवरेज निकालना था किसका टोटल एस और टी का एस और टी का टोटल का निकालना है एवरेज तो ये रहा। एस और टी कितना है वापस चलो ये कहा गया एस 260, 240, तो ये हो जाएगा 500 सौ का आधा 250, ढाई एक बार चेक करो तो रेशियो कितना आ रहा है 26 रेशियो न? उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो कर लोगे ठीक है तो आज के लिए थैंक यू सो मच तीन सेट हमने किया अब जो हमारी बीच की डी थी वो मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं अगले सेट में आप इसे करेंगे थोड़ा घर पे ट्राई मारना इसमें करना क्या है सुनिए हमारे पास फिर से वापस से स्टोर गिवन है टेबल की फॉर्म में ये एलईडी गिवन है ये एलसीडी टीवी गिवन है और ये ओलेट टीवी गिवन है तो ओलेट जो लिखा गया है कि 40 परसेंट ऑफ टीवी सोल्ड तो कैसे बनाएंगे एक बार इसको घर पे ट्राई करना नहीं बनेगा अगला सेट मेरा ये होगा जो हम अगला सेशन होगा हमारा आज बुधवार है फ्राइडे को मेरा अगला सेशन होगा रात आठ बजे अगर आपने सच में सेशन को एंजॉय किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को देख रहे हैं चुपचाप बैठे ऐसे हाथ में हाथ डाल के उठाइए हाथ दबा दीजिए बटन और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है आपको लगता है कि सर आपके साथ ना पढ़ के ना एक ट्यूनिंग मैच हो रही है आपके साथ ना एक फील हो रहा है कि हाँ एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो आप मेरे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि जो मेरे पेड कोर्सेस हैं बस एक ही बैच पढ़ना है फाउंडेशन के लिए नीव 2.0 2024 का बैच है 22 जनवरी से शुरू हुआ था सारे एग्जाम्स कवर होंगे 140 घंटे का कोर्स है 10 क्लास 11 12 क्लास हो चुकी हैं बाकी चल रही है अभी लाइव जो क्लास की टाइमिंग है साढ़े ग्यारह बजे की है ठीक है आप ये क्लास कहां मिलेगी अनअकेडमी पर आपको मिलेगी यह क्लास ठीक है और आपको करना क्या होगा गेट सब्सक्रिप्शन लिंक चला जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा उसके अंदर आप जब खरीद लेंगे तो आप अन अकेडमी पर सर्च करना अरुण सिंह रावत आप अन अकेडमी पे सर्च करना अरुण सिंह रावत. रावत जैसे आप अरुण सिंह रावत सर्च करोगे आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी और फॉलो कर लेना फॉलो करते ही मेरे बैचेस वहां दिख जाएंगे कौन कौन से बैचेस आपको चाहिए इसके बाद मेरा मेंस का बैच आएगा अभ्यास आएगा तो सब्सक्रिप्शन के अंदर सब मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेते वक्त बस इस कोड को आप इन्वॉल्व कर लेना जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है ऑल द बेस्ट कैसा लगा क्लास प्लीज कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के अंत में आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आऊं आपको डीआई पूरी सिखा के जाऊं तो कमेंट करिएगा जय हिंद थैंक यू सो मच नमस्ते